शनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में इतनी बुराइयां हैं कि अपनी जीविका कमाने के लिए मनुष्य क्या करेंगे? धर्म के कार्य करेंगे या अधर्म के? जीविका का साधन कैसा होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, हे शनि, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। कुछ मनुष्य अपना काम बेईमानी और अधर्म की कमाई से अपनी जीविका चलाएंगे, चाहे किसी का कुछ भी अहित हो, उन्हें केवल अपनी कमाई से मतलब होगा। इसके लिए वह जीव हत्या, शराब और जुआ भी खेलेंगे। ऐसे आदमियों को भामरी कहा जाता है, जो 184 योनियों में ऐसे ही भरमते रहते हैं। उनके लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं, उन्हें तुम कभी क्षमा नहीं करोगे। नंबर दो, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और ना दान दक्षिणा में खत्म करते हैं, ना ही किसी को सहायता करते हैं। ऐसे आदमियों को मोह में शु कहा जाता है, जो अपने सुख सुविधा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे मनुष्यों से ही शनि खुश नहीं होते। नंबर तीन, कुछ आदमी धर्म से पैसा कमाते हैं और धर्म के कार्यों में, जैसे मंदिर भगवान की मूर्ति जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं, उनसे भगवान बहुत खुश होता है। नंबर चार, ब्रह्मा जी ने कहा, हे शनि, मैं तुम्हें चौथे प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन करता हूँ। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुष्ट होते हैं। वे अपनी कमाई में पाप और अधर्म का काम करते हैं, जो पैसे के लिए भगवान की मूर्ति ही बेच देते हैं, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण भी करते हैं, अपने घर वालों का ध्यान नहीं रखते, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मनुष्यों को दुष्ट पापी कहते हैं, जिसे मरने के बाद नरक नसीब होता है, उसके हाथ का देवी देवता कोई नहीं होता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें।